Xiaomi ने रिसेंटली इंडिया में दो स्मार्ट वॉचेस लॉन्च किए थे अमेज़फिट ब्रांडिंग के नाम से। एक का नाम था अमेज़फिट स्ट्रैटोस और दूसरा का नाम था अमेज़फिट बिप, जहां पर अमेज़फिट स्ट्रैटोस की कीमत है 16,000 रुपीज़ और ये है एक फुल फ्लेजेड स्मार्ट वॉच और इसमें आपको मिलते हैं ढेरों सारे फीचर्स। वहीं पर अमेज़फिट बिप जो है उसकी कीमत है 5,500 रुपए और ये है एक बेसिक स्मार्ट वॉच। और आज हमारे पास है अमेज़फिट बिप। हाय, मेरा नाम है शारिब और आप देख रहे हैं कमाल के गैजेट। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे अमेज़फिट बिप की अनबॉक्सिंग, देखेंगे कि क्या क्या इसमें है बॉक्स कॉन्टेंट्स और मैं दूंगा इसका एक जनरल ओवरव्यू। इसका जो रिव्यू वीडियो है वो आएगा कुछ दिनों के बाद, क्योंकि रिव्यू डालने से पहले मुझे इसे कम से कम हफ्ते 10 दिन तक इस्तेमाल करना होगा। उसके बाद ही मैं बता पाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें जो है वो इसमें अच्छी देखने को मिलती हैं और क्या चीज़ें जो है इसमें अच्छी नहीं है और क्या आपको इसे खरीदना चाहिए। और आगे बढ़ने से पहले, अगर आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो कंसिडर करिए इसे सब्सक्राइब करने का, क्योंकि मैं लेकर के आता हूँ इसी तरह के टेक रिलेटेड वीडियोज। सो विद ऑल सेट एंड डन, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आइए इसे कर लेते हैं अनबॉक्स, देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। बॉक्स को खोलते ही हमें सबसे पहले जो है वो स्मार्ट वॉच ही यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसको रखते हैं फिलहाल साइड में। पीछे की तरफ अगर आप देखें तो हर चीज़ जो है वो चाइनीज़ में ही लिखी हुई है। इसमें लिखा है कि फ़ोन की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए डिवाइसेस दैट सपोर्ट ब्लूटूथ 4.0 एंड रन एंड्रॉयड 4.4 और iOS 9.0 और एबव। वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखी हुई है, IP68 की रेटिंग है। पैकेज कंटेंट में लिखा है अमेज़फिट बिप चार्जिंग डॉक यूज़र मैनुअल। बैटरी कैपेसिटी लिखी है 200 मिली एम्पावर की। इनपुट जो है वो 5 वोल्ट का DC है, 300 मिली एम्पावर मैक्स। इसको करते हैं हम फिलहाल साइड और यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। वॉच को रखते हैं हम फिलहाल साइड में और हम देखते हैं कि इस बॉक्स में क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे आपको एक चार्जिंग डॉक मिलता है जो लगता है कि मैग्नेटिक है और USB यहाँ पर है। तो ये है इसकी यूज़र मैनुअल और इसमें कुछ खास है नहीं। और ये है हमारा स्मार्ट वॉच, तो इसको हम हटा देते हैं क्योंकि ये जाहिर सी बात है आप देख सकते हैं कि स्टिकर सटा है। तो हम इसको करते हैं ऑन करने की कोशिश, ऑन करने की कोशिश करते हैं। मे बी शायद इसको लॉन्ग प्रेस करने से ये शायद ऑन होता होगा, तो हम देखते हैं करके। ओके, सो डिवाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऑन तो हो गया है ऐसा लग रहा है। ओके, सो बात करते हैं अब स्मार्ट वॉच की और इसकी बिल्ड क्वालिटी की। तो यहाँ पर जो स्ट्रैप मटेरियल है वो रबर है दिया हुआ और इसका ओवरऑल जो फील है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्टर्डी लगता है ये और काफ़ी लाइट वेट भी है और ओवरऑल ये काफ़ी अच्छा दिखने वाला स्मार्ट बैंड है। इसको मैं प्रीमियम तो नहीं कहूँगा बट काफ़ी अच्छा है। उसके बाद आता है ये मेन वॉच पोर्शन, ये जो है ये ग्रीन कलर का है। इसके और भी कलर्स आपको मार्केट में मिलते हैं, लगभग 5 कलर में ये आता है। और ये जो पोर्शन है ये एक्चुअली में जो है वो काफ़ी प्लास्टिक लग रहा है देखने में और इसका जो ओवरऑल लुक है वो बिल्कुल भी कहीं से भी, इसका जो ओवरऑल लुक है वो बिल्कुल आपको चीप प्लास्टिक का ही फील देता है, बट ओवरऑल नाइस बिल्ड क्वालिटी। ओके, सो अब जो है इसे हम कर लेते हैं सेटअप। और सबसे पहली चीज़ जो है वो आपको प्ले स्टोर में जा कर के Xiaomi का Mi Fit ऐप जो है वो उसे इंस्टॉल करना होगा। इसे हम फटाफट से कर लेते हैं सेटअप और इसे हम करेंगे फास्ट फॉरवर्ड ताकि आपको जो है वो पेन जो है ये यहाँ पर आपको देखना ना पड़े। सो फाइनली सेटअप हो गया है और इसे लिटरली लगभग जो है वो 1.5 घंटे लग गए, क्योंकि यहाँ पर AGPS और GPS की कुछ अपडेट्स वगैरह जो है वो डिवाइस जो है वो ले रहा था। सेटअप जो है वो बहुत ज़्यादा सिंपल नहीं था, इसे थोड़ा सा और सिंपल बनाना चाहिए था। सो फाइनली जो है वो हम अब स्मार्ट वॉच को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। तो ऐसे इसकी स्क्रीन आपको सामने दिखती है, इसे आप राइट स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको स्टेटस देखने को मिलता है और उसके बाद जो है वो यहाँ पर आपको एक्टिविटी देखने को मिलती है, वेदर का ऐप है यहाँ पर, आपको अलार्म यहाँ पर देखने को मिलता है, उसके अलावा आपको टाइमर यहाँ पर देखने को मिलता है, कंपास है, सेटिंग्स आपको है और उसके बाद यहाँ पर अली पे दी गई है। वेल आई एम नॉट श्योर कि अली पे क्यों दिया हुआ है और उसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं मिलता। तो हम लेफ्ट स्वाइप करके बिल्कुल होम स्क्रीन पर चले जाते हैं। अब देखते हैं स्टेटस के अंदर में आपको क्या देखने को मिलता है।
तो यहाँ पर आपको स्टेप काउंट देखने को मिलता है, हर्ट रेट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, कितना डिस्टेंस आप चलें वो देखने को मिलता है, कितनी कैलोरी आपने बर्न करी है वो देखने को मिलता है, और कितनी देर जो है वो आप आइडियल बैठे रहे हैं वो सेशन जो है वो यहाँ पर ट्रैक करता है। एक्टिविटी को ओपन करते हैं, यहाँ पर आपको आउटडोर रनिंग देखने को मिलता है, ट्रेडमिल आपको देखने को मिलता है, साइकिलिंग है, वॉकिंग है, एक्टिविटी हिस्ट्री है, और यहाँ पर एक्टिविटी सेटिंग आपको देखने को मिलती है। ओके, इसको हम ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको ऑटो पॉज देखने को मिलता है, हर्ट रेट अलर्ट है, यहाँ पर पेस अलर्ट आपको देखने को मिलती है, और इसके अलावा आपको डिस्टेंस अलर्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। एक्टिविटी से हम राइट स्वाइप करते हैं, आपको वेदर देखने को मिलता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं वेदर बता रहा है। अलार्म में हम जाते हैं तो यहाँ पर कुछ प्री सेटिंग है, आई एम श्योर कि इसके लिए जो है वो आपको ऐप में ही जा कर के चेंजेस करने होंगे। टाइमर में देखते हैं, टाइमर कंपास अली पे ये सारी चीज़ें। सेटिंग में हम जाते हैं, यहाँ पर आपको वॉच फेस देखने को मिलता है, लॉन्ग बटन प्रेस है, एडजस्ट ब्राइटनेस यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, फाइंड डिवाइस अबाउट फैक्ट्री रिसेटिस आपको देखने को मिलता है, टर्न ऑफ भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। वॉच फेस में हम जा कर के दोबारा देखते हैं कि कैसे कैसे वॉच फेस आपको देखने को मिलते हैं। ओके, सो लेफ़्ट स्वाइप से ये वापस से चला जा रहा है, और दोबारा ट्राई करता हूँ, लेफ़्ट से तो कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे ओके, यहाँ पर मैं दोबारा ट्राई करता हूँ वॉच फेस में जाने की, तो यहाँ पर जो है वो अप्लाई करने के लिए आपको दिख रहा है, और राइट स्वाइप से कुछ नहीं हो रहा। ओके, अप स्वाइप से आपको यहाँ पर वॉच फेसेस देखने को मिलते हैं, तो ये कुछ वॉच फेसेस हैं जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, और कोई नहीं है यहाँ पर वॉच फेसेस, काफ़ी गिने चुने से ही वॉच फेसेस यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। सो कुछ कूल कूल वॉच फेसेस भी हैं, तो वेल ओवरऑल आपको यही यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये थी एक अनबॉक्सिंग और एक जनरल ओवरव्यू अमेज़ फिटबिप स्मार्ट वॉच की, और इसका जो रिव्यू है वो मैं पोस्ट करूंगा कुछ दिनों के बाद, क्योंकि उससे पहले मुझे इसे करना होगा टेस्ट, और तभी मैं बता पाऊंगा कि क्या चीज़ें जो है वो इसमें आपको अच्छी देखने को मिलती हैं और क्या चीज़ें जो है वो इसमें अच्छी नहीं है, और क्या आपको करना चाहिए ये परचेज। सो हमारे रिव्यू को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक से आपने नहीं किया है। और आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में, सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को जैसे कि मैंने अभी बताया, और हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। अंटिल देन, स्टे सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।